और इस पर एक लाइन याद आई है मुझे अध्यक्ष महोदय, एक लाइन याद आई है कि हमारे होकर हम इसे गात करते हो, हमारे होकर हम इसे गात करते हो, हम तो इधर मीटिंग कर रहे ना आप आपस में दूर जाके बात करते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, है ना। हम सब एक है ना, पूरा परिवार एक है ना, तो अलग अलग जाके क्यों बात करते हो, परिवार में बात करो। और ये भी सत्य है कि एक परिवार में अगर 10 सदस्य है तो घर का मुखिया 10 को खुश नहीं रख सकता है, ये बात भी सत्य है, लेकिन उनको जैसे तैसे मनाना पड़ेगा, है ना। काफी समय से आज मैं भी मध्य प्रदेश से यहाँ आया हूँ, और पहले भी मैं यही कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में केवल मेरा मालवा में जन्म है, लेकिन मेरी पहचान मेवाड़ है। शुरू से जिस मंच पे खड़ा होता हूँ तो मैं मेवाड़ का जिक्र, मेवाड़ में क्या बल्कि राजस्थान, एमपी, हर जगह जहां पर भी जाता हूँ मैं, वहां पर मेवाड़ का हर मंच में मैं बखान करता हूँ, हर मंच पर बखान करता हूँ। और मेरा ग्रुप भी, मेरा ग्रुप का नाम भी सभी परिवारजनों को पता है, मेरे ग्रुप का नाम भी मालवा मेवाड़ इवेंट ग्रुप है, मेरे ग्रुप का नाम भी मालवा मेवाड़ इवेंट रखा है मैंने, है ना, क्योंकि मालवा का मेरी जन्मभूमि है और मेवाड़ से हमारी पहचान है, इसलिए मालवा मेवाड़ ग्रुप रखा है साहब हमने, है ना। और मैं एक झांकियों का काम करता हूँ, मंच संचालक तो बाद में करने लगा मैं, गुरुदेव आप तो जानते हैं, मंच संचालक तो बाद में करने लगा, लेकिन शुरू से बहू जी के साथ में खूब बढ़िया बढ़िया, वो जैसल धारवी के समय से खूब बढ़िया बना था, छोटा सा था बिल्कुल, हजारी भगत जी के बाद में मैं ही आया था, बहू जी आया था ना। तो आज हमने ये एक पहल रखी है, आज ये एक नींव रखी है, नींव अगर ये नींव व्यवस्थित तरीके से हमने भर दी तो ऊपर चाहे मकान कितना ही बड़ा बना लो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और अगर नींव कच्ची रह गई तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, अगर नींव कच्ची रह गई तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जो सोच रहे हैं ना कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, इसीलिए मैं कहता हूं कौन किस जात से है, कौन किस जात से है, लेकिन हम सभी एक हरि की जात से, हम सभी सनातनी हैं, सभी हिंदू हैं, सभी एक हैं। तो सुनिएगा कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, और सनातन धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं तो बाती का क्या करोगे, और हमारी सनातन धर्म ही नहीं तो जाति का क्या करोगे, जाति का क्या करोगे, हम सभी सनातनी हैं, हम सनातनियों में इतनी इतना विश्वास है। गुरुदेव आप कथा भागवत करते हैं, हमारे सनातनियों के अंदर इतना विश्वास है कि एक पत्थर के भी अगर हम सिंदूर लगा देते हैं तो भगवान समझ बैठते हैं, एक पत्थर के सिंदूर लगा देते हैं तो भगवान समझ बैठते हैं, और हम उन्हीं भगवान के लिए ऐसे ऐसे सॉन्ग गाते हैं, शब्दों का ध्यान नहीं रखते हैं। ये अभी जो हाईलाइट हुआ इसके नहीं कह रहा हूं, ऐसे पुराने भी काफी हैं, उनको उठाकर सुनो, पुराने भी काफी हैं, लेकिन मैं एक झांकी का काम करता हूं, और अपने चित्तौड़ जिले में बहुत सारे झांकी वाले हैं, इस पर मैं थोड़ी चर्चा कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आज दिन तक भगवान ने कभी हाथ में पैसे लिए हैं, बता दो एक बार हाथ खड़े करके, किसी भगवान का किरदार निभा रहा है, अधिक समझे भगवान का किरदार निभा रहा है मंच के ऊपर, आज दिन तक भगवान ने कभी हाथ में पैसे लिए हैं, अरे चाहे वो पात्र बना हुआ है, भगवान का किरदार कर रखा है, तो वो पब्लिक के बीच में जा रहा है, बालाजी का चड्डा कौन सा पहना है, क्या पहन रखा है, पब्लिक के बीच में जा रहा है, 10-10 रुपए घींच घींच के ला रहा है, ऐसा होता था क्या, ऐसा हुआ क्या प्रभुलाल जी, ऐसा होता था नहीं होता था। तो मेरा झांकियों वालों से भी ये भाई बालाजी ध्यान रखना, ये बिल्कुल आप अलग निकालना, ये झांकी वालों को विशेष बताना कि आज कोई खड़ा होकर झांकी वाला क्या बात कह रहा है। इस बात पर मेरा सभी जो झांकी करते हैं उनसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है, इस दास लाला आहिर का मेरा भी एक ग्रुप है, लाला आहिर झांकी ग्रुप का मेरा भी एक झांकी ग्रुप का, मेरे नाम से बंदे करते हैं मेरे, लेकिन मेरे नाम से लाला आहिर झांकी ग्रुप से एक ग्रुप चलता है मेरा। और यहीं पे उदयलाल जी, जब कुशल भारती जी महाराज का पदार्पण हुआ था और कार्यक्रम इसी मंदिर पे हुआ था,
इतनी ऐतिहासिक जगह थी, ये गवाह सबूत बैठे यहाँ पर मर्यादित तरीके से झांकी देने वाले विशेष ये ध्यान रखें कि आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, झांकी कर रहे हैं उस समय, हाँ बीड़ी सिगरेट पीते हैं, मैं खुद पीता हूँ, लेकिन आप पात्र बने हो और आप बीड़ी सिगरेट फूंक रहे हो, विमल गुटखा खा के पात्र बने हुए हो, प्रभु श्री राम के वस्त्र धारण कर रखे, कन्हैया लाल के वस्त्र धारण कर रखे, आप गुटखा खा रहे हो और वहीं मेकअप रूम में फचक फचक कौन सी झांकी कर रहे हो, कौन सी झांकी कर रहे हो? झांकियों वालों का ये संदेश दे रहा हूं मैं, आप प्रभु का किरदार कर रहे हो ना, तो आपको मर्यादित रह के किरदार करना होगा। आपको बल्कि पब्लिक में जाके उनसे 10-10 रुपए खींच के इकट्ठे करके नहीं लाना होगा। अगर झांकी में बाकी भी हरिलाल राधा रुक्मण नाचते थे, मंच पर नाचो, पब्लिक में बीच में जाकर बालाजी महाराज प्रभु श्री राम की भक्ति में झूमते हैं पिंडू जी भाई साहब, तो आप पब्लिक के बीच में जाके क्यों उनको हाथ पकड़ पकड़ के, आपके भाव मंच पर रखो, झांकी का पात्र बना हुआ है, भजन गाने वाले भजन गा रहे हैं, झांकी का किरदार आप मंच पर निभाओ, बल्कि लोगों के बीच में जाके पैसे खींचने के चक्कर में झांकी मत दिखाओ, अपने सनातन को, अपने धर्म को, अपने देवी देवताओं कोई और लोग नहीं हो कर रहे हैं, अपन खुद कहते हैं ना, क्या आपने देसी भाषा में केक ने किया, घर कुछ किनो खोटो वे तो दूसरों का ही करे गुरुदेव, अगर घर का किनो ही खोटो वे तो दूसरों आदमी कहीं करे, तो मेरा यह हाथ जोड़ के निवेदन है झांकियों वालों से कि जब भी आप प्रभु का किरदार निभाओ, रामायण में महाभारत में ऐसे ऐसे किरदार हुए थे, कितना सुंदर किरदार किया, अब परमात्मा का किरदार अभी जो जल झूलने पर मेरा मंडपियां सांवलिया जी में 3-4 स्टेजों पर मेरा झांकी ग्रुप लगा था, सभी को पता है मंडपियां सांवलिया जी में सभी स्टेजों पर मेरा ग्रुप लगा था झांकियों का, कितना व्यवस्थित तरीके से हुआ है। अभी मैंने एक फोन आया था मेरे दिनेश जी छापरी जो म्यूजिशियन रखते हैं अपने दिनेश जी छापरी वाले कि लाला भाई यार हमारे इधर ऐसे ऐसे हो रहा है, उन्होंने मेरे को सारी चीजें भेजी। मैंने कहा भाई साहब मैं राजसमंद एरिया का आपके साइड का कितना कार्यक्रम किया, अगर मेरे बंदे में और मेरे जो किरदार कर रहे हैं उनमें कमी हो तो आप बताओ, मैं समा बना चाहता हूं। तो लाला भाई आपका काम एक नंबर है और मैं मेरे मुंह से नहीं कह रहा हूं, अगर मेरे पात्र बने हुए हैं, मेरे नाम का ग्रुप लग रहा है उसमें भी कोई कमी हो तो आप मेवाड़ के अगर एक छोटा सा संगीत को समझने वाला बंदा भी उठ कर कह देगा भैया तुम्हारे झांकियों में ये कमी है तो मैं नतमस्तक वहीं पर हूंगा। बल्कि झांकियों वालों का आप विशेष ध्यान रखें कि जहां भगवान की झांकियों का किरदार निभाते हैं व्यवस्थित तरीके से निभाएं। आइए मेरी